हरितालिका पर्व के मौके पर राजनांदगांव जिले में सोमवार की शाम सुहागिन महिलाओं ने कड़ू भात खाकर तीज पर्व के लिए निर्जला व्रत की शुरुआत की और अपने पति की दीर्घायु की कामना की है। तीज पर्व को लेकर शहर में साड़ी, कपड़ों और चूड़ियों का बाजार सजा हुआ है। वहीं बसों में मायके जाने वाली महिलाओं की भीड़ लगी रही। महिलाओं ने हरितालिका पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए तीज उपवास रखती हैं। तीज पर्व पर महिलाएं फुलेरा सजाती हैं और भगवान शिव की आराधना कर भजन कीर्तन करते हुए रज्जगा करती हैं। तीसरे दिन घर पर बने व्यंजन का भोग लगाकर उपवास खोलती हैं। हमारे देश में कई कई स्टेट में इसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ का तो ये सुहागनों का मेन त्यौहार है। इसमें वो मायके में आती है, एक दिन पहले कड़ू भात खाती हैं, जिनको जो करेला चावल खाती हैं, उसके बाद वो व्रत रखती हैं। फिर दिन भर वो बस बहनों के साथ मायके में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मायके में आके मनाते हैं। दिन भर बहनों के साथ घूमना, मेहंदी लगाना, जैसे पीछे देख रहे हैं, सुहाग का सामान खरीदना, पूजा की तैयारी करना, ये सब में फिर रात को 16 श्रृंगार करके महादेव की पूजा करते हैं। तीज पर्व जो है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए रही जाती है और इसमें जो महिलाएं होती हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं, रात को घर में फुलेरा रखती हैं और रात भर भजन कीर्तन करके भगवान को मनाती हैं कि ताकि हमारे पति की उम्र लंबी रहे और घर परिवार में शांति रहे, सब अच्छा रहे। और इस त्यौहार में महिलाएं जो होती हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं और मेहंदी का बहुत महत्व है। जैसा पीछे आप देख रहे हैं, मेहंदी लगाने वाली औरतों की लाइन लगी हुई है, तो आज के दिन मेहंदी, 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है। चीज़ है जो पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है ये फास्ट, और ये कड़ू भात से स्टार्ट होता है। एक दिन पहले कड़ू भात मतलब करेले की सब्जी से स्टार्ट होता है और दूसरे दिन सुबह से निर्जला व्रत रखा जाता है। 24 घंटे का व्रत होता है। आप 24 घंटे के बाद ही कुछ पानी या खा सकते हैं और इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। उनके अलावा शिव का जो शिवलिंग होता है उसका पार्थिव शिवलिंग बना के इसकी पूजा की जाती है और मतलब रात में जगा जाता है, फुलेरा रखा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यह व्रत रखा था, इसलिए यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाया जाता है।